हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शकील जय खान, वेलकम टू आवर चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का ये देखेंगे प्रॉब्लम, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट सेक थ्रीटा प्लस टेन थ्रीटा डी थीटा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थ्री डीटा प्लस टेन ऑफ थ्री डीटा डी डीटा। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे चेंज करना होगा, सेक को कॉस में चेंज करना होगा। सो आई कैन राइट कॉस ऑफ थ्री डीटा प्लस और टेन को साइन बाय कॉस। तो साइन थ्री डीटा अपॉन कॉस ऑफ थ्री डीटा, वन बाय कॉस होता है सेक, सो वी हैव रिटन वन अपॉन कॉस थ्री थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेक थ्री थीटा है और टेन थ्री थीटा होता है, साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे थ्री थीटा है तो बिकम साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस ऑफ थ्री थीटा। सो वन प्लस साइन ऑफ थ्री थीटा अपॉन कॉस। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि डिवाइड में इधर वन बाय कॉस थ्री थीटा है और यहाँ भी वन कॉस थ्री थीटा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। इट बिकम वन प्लस साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस ऑफ थ्री थीटा। अब ये साइन को मुझे कन्वर्ट करूंगा कॉस में, सो आई कैन राइट वन माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थ्री थीटा। सो ये जो साइन है ये कॉस में चेंज हो गया, उसी तरह हम लोग इस कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सो साइन पाई बाई टू प्लस थ्री थीटा। जब हम साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं माइनस साइन माइनस होता है, लेकिन जब कॉस को साइन में करते हैं तो यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है, सिंस हमें पता है कि वन माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और अब है इस डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग साइन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला, जो है टू साइन है कॉस भी। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ नोट कीजिए, यहाँ ओनली साइन थीटा है, ये इसको अज्यूम कीजिए थीटा, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है, टू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को टू से और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय टू, सो आई गेट हियर वन माइनस कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थ्री थीटा अपॉन साइन ऑफ टू पाई बाय फोर प्लस थ्री बाय टू। तो फ्रेंड, मैंने इसे टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई किया, सो पाई बाय फोर जो पाई बाय टू जो 90 होता है, इट बिकम नाउ पाई बाय फोर और थ्री थीटा बाय टू। सो नेक्स्ट स्टेप इज नाउ यूज द फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस थ्री थीटा बाय टू अपॉन टू साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थ्री थीटा बाय टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाय फोर प्लस थ्री थीटा बाय टू। सो फ्रेंड, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू में इसको हमें टू से डिवाइड किया, तो इट बिकम पाई बाय फोर प्लस थ्री थीटा बाय टू और टू रहेगा एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस पावर टू एंड दिस साइन टोटली कैंसल, टू टू गेट कैंसल, सो व्हाट वी गेट साइन पाई बाय फोर प्लस थ्री थीटा बाय टू अपॉन कॉस पाई बाय फोर प्लस थ्री थीटा अपॉन टू। इट बिकम व्हाट, साइन बाय कॉस मीन्स टेन, सो टेन पाई बाय फोर प्लस थ्री डीटा बाई टू मुझे ये आंसर मिला। मतलब मैंने इसे सिंप्लीफाई करते चला गया, नाउ आई गॉट दिस आंसर टेन पाई बाय फोर प्लस थ्री डीटा बाई टू। तो इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। ओके, इट बिकम टेन इनवर्स, इसकी जगह मुझे ये वैल्यू रखना है, सो आई कैन राइट टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थ्री डीटा बाई टू। ओके, सो हेयर आई कैन राइट टेन इनवर्स मीन्स वन बाय टेन
एट टेन पाई बाय फोर प्लस थ्री थीटा बाय टू, सो टेन टेन गेट कैंसल। नाउ ये मुझे इसका निकालना है इंटीग्रेशन, तो इट बिकम पाई बाय फोर थीटा डी थीटा प्लस थ्री बाय टू थीटा डी थीटा। नाउ ये कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, इट बिकम पाई बाय फोर डी थीटा प्लस थ्री बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा डी थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड, मुझे इसका करना होगा इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो पाई बाय फोर रिमेन एज इट इज, डी थीटा का इंटीग्रेशन है थीटा प्लस थ्री बाय टू, एंड थीटा का होगा इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाय टू प्लस सी। सो फाइनल आंसर वुड बी पाई बाय फोर थीटा प्लस थ्री बाय फोर थीटा स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड गाइस प्लीज कमेंट कीजिए मुझे ये वीडियो कैसा लगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।